नमस्कार दोस्तों, आज अपन यहाँ बात करना चाहेंगे लैब असिस्टेंट से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो काफ़ी साथियों को डाउट यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, देखो दोस्तों, यदि आप लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, इसमें अपन आज यहाँ बातचीत करना चाहेंगे क्या साथियों जो परीक्षा है आपकी एक दिन में दोनों एग्जाम होंगे या फिर अलग अलग डेट को होंगे। ठीक है ना, और उसके बाद साथियों सबसे बड़ा सवाल है क्या एग्ज़ाम डेट इसकी चेंज होगी या नहीं होगी, या फिर जो डेट बताई गई है 28-29 उसी को ही आपका एग्जाम होगा। ठीक है, और 40% वाला रूल क्या है साथियों, इसको आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद क्या सिलेबस में चेंज किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि आप सभी को मालूम है जो सिलेबस दिया गया है वो काफ़ी क्या है, ज़्यादा पर्याप्त है, यानी बहुत ही ज़्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस है, इतना तो RS का भी नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो साथियों एक बार चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें यदि आपको अच्छा लगे तब। इब साथियों अपन यहाँ सबसे पहले बात करना चाहेंगे क्या परीक्षा एक दिन में ही होगी। देखो दोस्तों, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा इसका लेवल क्या है, प्लस टू तक है। ठीक है ना, पूरी संभावना क्या मैं 101% कह सकता हूँ कि आपका दोनों पेपर हैं वो एक दिन होंगे। ठीक है ना, जैसे 28-29 को जो इसकी डेट निर्धारित की गई है एग्ज़ाम तिथि की। ठीक है ना, तो इसको जैसे मान लो 28 तारीख को आपको दो शिफ्टों में होता है, तो 28 को क्या है आपका फर्स्ट पेपर हो जाएगा, उसके बाद 2 या 3 घंटे का गैप देके इसमें सेकंड पेपर आपका जो सब्जेक्ट का होगा वो करवा लिया जाएगा। ठीक है, आप ये ना सोचना कि वही जैसे सेकंड ग्रेड में दो पेपर होते हैं तो उसमें 4-5 महीने का, तो किसी में 3 महीने का टाइम मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं होगा साथियों। आपको दोनों पेपर की तैयारी साथ में करनी ही होगी। ठीक है, उसके बाद साथियों अपन यहाँ बात करना चाहेंगे क्या इसकी जो एग्जाम डेट है क्या वो चेंज हो सकती नहीं। देखो दोस्तों, सोशल मीडिया पर काफ़ी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, आपको सिर्फ यही सोच के चलना है कि हमारा एग्ज़ाम 28 व 29 जून को ही होगा। ठीक है, यदि हाँ, यदि आप मांग करते हैं कि इसकी एग्ज़ाम तिथि में परिवर्तन किया जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए, तो निश्चित रूप से बोर्ड को इस पर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और आगे बढ़ सकती है। ठीक है, उसके बाद साथियों 40% वाला रूल क्या है। देखो साथियों, जो आपका फर्स्ट पेपर होता है उसमें आपको 40% नंबर लेना कंपलसरी है, तभी आप सेकेंड पेपर का जो कट ऑफ है यानी जो मैट बनेगी उस प्रक्रिया में आप भाग ले पाओगे। ठीक है, उसके बाद साथियों क्या इसका सिलेबस चेंज हो सकता है, नहीं। देखो साथियों, सिलेबस तो खैर चेंज नहीं होगा क्योंकि डिपार्टमेंट ने पहले इसकी घोषणा कर दी है ना। यदि आप अपनी इसकी मांग को उठाते हैं तो भी साथियों बहुत कम संभावना है कि डिपार्टमेंट इसके सिलेबस में परिवर्तन करे। हाँ, हो सकता है कि इसकी एग्जाम तिथि को आगे बढ़ाया जा सकता है जिससे आपको और पर्याप्त समय मिल जाए। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहें और जो भी जानकारी होगी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।